मंत्र सिद्धि के लिए आपको लगा कि कामाक्षा देवी का आश्रय लें, कामाक्षा, और वहां जाकर अनुष्ठान करें और फिर बटलोई प्राप्त करें, ऐसा कलकत्ता गोवालंदी में ठहर कर आप गुवाहाटी पहुंचे, तब तक आपके पास 2.5 रुपया बचा था, शेष खर्चा हो गया था। अनुष्ठान करने के लिए वहां एक बंगाली तांत्रिक से मिले, उनसे आपका बड़ा लगाव हुआ और उसकी सलाह से, उसके उपदेश से आप बन दुर्गा के मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान सुचारू रूप से चलने लगा, उसमें कुछ सफलता के चिन्ह भी प्रतीत हुए, भगवती का दर्शन भी हुआ बाबा को, और भगवती के दर्शन के बाद उसी जप के समय में वशिष्ठ जी के दर्शन हुए, जो परम ज्ञान शिरोमणि दशरथ जी के कुलगुरु भगवान वशिष्ठ जी, उनके दर्शन हुए। बस उनके दर्शन होते चित्त में ऐसा विचार आने लगा, क्या इस अनुष्ठान से जो बटलोई मिलेगी उससे हम सबका दुख दूर कर पाएंगे? क्या केवल भोजन ही दुख निवृत्ति का उपाय है? अगर किसी को भोजन भी भरपेट मिल गया तो क्या इसी से सब सुखी हो जाएंगे? नहीं नहीं, नाना प्रकार के और भी दुख है, उनसे तो उनका त्राण होगा नहीं। इसका मतलब केवल एक पात्र मिल जाने से सब सुखी नहीं होंगे, यह ठीक बात नहीं। बाबा के हृदय में विचार पलटा, संसार के प्राणियों को यदि दुख से मुक्त करना है तो केवल बटलोई से काम नहीं चलेगा। बाबा ने विचार किया, यह विडंबना ही है। अब अगर हम अन्न दे भी सकते तो कितने लोगों को अन्न दे देंगे तो क्या सर्वदा जीवित रहेंगे? यह ठीक उपाय नहीं। छोड़ दिया संकल्प बटलोई प्राप्ति का, पर इस अनुष्ठान से बड़े दो लाभ हुए, अंबाजी के दर्शन और वशिष्ठ जी के दर्शन। अब इन्होंने पूर्णगिरी नाम के एक महात्मा से भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का श्रवण किया, उन्होंने इनको सुनाया विवेक चूड़ामणि। बस विवेक चूड़ामणि सुनते ही आग लग गई स्वरूप बोध की, कैसे मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूं? आपने अनुष्ठान सब छोड़ दिए, सिद्धि प्राप्त करने की और थोड़ा थोड़ा चित्त आकर्षित था, बकाया उदासीनता आ गई। ये था कि मतलब साधारण जीवन नहीं, ये महापुरुषों में होता है, वो छोटे सुखों में टिकते नहीं। एक हृदय में कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी सिद्धि जो संतोषजनक हो। गुवाहाटी से काशी जाने का विचार किया और कुछ दिन मयूरभंज में ठहर कर आप काशी पहुंचे। इस प्रांत में आपकी प्रथम यात्रा थी, यहां ना तो कोई आपका परिचित था, ना गांठ में पैसा था, इधर की भाषा भी नहीं समझते थे क्योंकि उड़िया भाषा जानते थे, अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते थे और बड़ा भोला स्वरूप था, दांत ऐसे बाहर निकले हुए थे, बहुत ही भोला स्वरूप बाबा का था। अब किसी को कुछ बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते अपनी बात, और वहां की बात समझ नहीं सकते थे। बस भरोसा था तो अन्नपूर्णा का सुना था कि काशी में अन्नपूर्णा भूखी नहीं रखती किसी को, अतः आप अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर एक खाली गुफा में बैठ गए। ये है ब्रह्मबोध सेंटर, जो काशी के घाट है ये, यहां पढ़ाई होती ब्रह्मबोध की, और जो ये जुगल घाट केसी घाट ये घाट है ना, यहां होती है निकुंज की पढ़ाई, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। बस मणिकर्णिका घाट की खाली गुफा में बैठ गए और निश्चय किया, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, आपको उसी गुफा में 3 दिन और 3 रात बीत गए, सोच और लघु शंका के लिए भी आप वहां से नहीं उठे, ना किसी ने भोजन आदि के लिए पूछा, ना आपने किसी से मांगा। चौथे दिन स्नान करने के लिए गुफा से बाहर आए, उसी समय वहां एक स्त्री आई और कहा कि लो ये पंचामृत है, इसे पान कर लो। जे ही पंचामृत पान किया तो विशेष आनंद, क्योंकि वो स्त्री और कोई नहीं अन्नपूर्णा जी थी। प्रेरणा हुई, तत्काल वो विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहां एक ब्राह्मण ने कहा लो ये अनार पा लेना,
वो ब्राह्मण और कोई नहीं, साक्षात विश्वनाथ जी थे। देखो अपने हृदय में जब लगन लग जाती है, आग लग जाती है भगवत प्राप्ति, तो ये छुप छुप कर मिलते रहते हैं, पक्का इसमें कोई संशय मत, बहुत प्यार करते हैं। चार दिन का परायण हुआ, अन्नपूर्णा जी ने पंचामृत दिया और विश्वनाथ जी ने अनार फल दिया, फिर गुफा में आ गए। रात्रि में स्वप्न हुआ कि कोई महात्मा आपसे वैद्यनाथ धाम जाने के लिए कह रहे हैं, अतः आपने उस स्वप्नादेश का पालन किया। देखा कि एक बंगाली थे, उनसे प्रार्थना की कि आप टिकट कटवा कर वैद्यनाथ धाम के लिए हमें व्यवस्था कर देंगे। स्वप्न में आदेश हुआ कि आप वैद्यनाथ धाम जाइए। वैद्यनाथ धाम में अनेकों लोग अपनी कामना सिद्धि के लिए केवल पंचामृत पान करते हुए धरना दिया करते हैं। आपने भी बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के लिए धारणा देना प्रारंभ किया, धरना। पांचवें दिन ही आपके अंदर विचार आया कि क्या होगा इस धरने से, सरस्वती जी मिल भी गई तो होगा क्या उससे, ठीक नहीं, सरस्वती की प्राप्ति से होगा क्या हमारा, नहीं ठीक है, विचार बदला। बड़े बड़े विद्वान जो सरस्वती की कृपा प्राप्त हुए वो भी तो काल के गाल बने, क्या क्या होगा सरस्वती की सिद्धि से, ठीक नहीं है ये सोच करके आप उससे भी उदासीन। ये भगवत कृपा ऐसी होती कहीं चैन नहीं लेने देती, कहीं चैन नहीं, वो कहीं भी विश्राम पाना चाहे तो नहीं, आग लगा दे, बढ़ता ही चला जाता है उपासक। फिर कुछ गांव वाले मिले, उन्होंने कहा कि एक बार आप जरूर चलिए, परिवार के लोग बहुत व्याकुल हैं, तो आप एक बार, सबके कहने से फिर लौट आए। घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन से, परंतु आपका हृदय फिर व्याकुल। आप इस समय 20 वर्ष की आयु के हो चुके थे और एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले बताया था कि आप 30 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे, 30 वर्ष की आयु में आप पधार जाएंगे। घर वालों ने कहा कि 20 वर्ष की अवस्था है, अगर विवाह की सोचे तो 30 में पधार जाएंगे तो विवाह करना ठीक नहीं है। और वैसे ही स्वभाव बैरागी, जन्म से किसी भोग में कोई रुचि नहीं, घर में भी आपका चित्त किसी के मोह बंधन से बंधा हुआ नहीं था, अब तक भी आपका जीवन निरालंब रहा, अतः आपने घर वालों से कहा कि अब मैं विधिवत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेना चाहता हूं और पूरी धाम में ही गोवर्धन मठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मधुसूदन तीर्थ से दीक्षा लेकर के आप आर्तत्राण से ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप हो गए। इन दिनों आपकी विशेष इच्छा यह थी कि किसी प्रकार मेरा वीर कभी अधोगामी न हो। जब बाबा ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली 20 वर्ष की अवस्था, तब विचार किया कि आजीवन कभी मेरा वीर अधोगामी न हो, ऊर्ध्वरिता ब्रह्मचारी बने। आप ने विचार किया कि मैं ऐसा ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं कि कोई सुंदरी जवान स्त्री मुझे गोद में बैठा ले तो भी मैं किसी भी तरह कामुक ना होऊं, ऐसा बाबा के हृदय में इच्छा जागृत हुई नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पर कि मैं ऐसा ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी बनूं कि आसपास मेरे नौ युवतियां हो, मुझे गोद में कोई ऐसा, तो भी मेरे हृदय में काम चेष्टा जागृत ना हो, मेरा वीर कभी अधोगामी ना हो, ऐसा मैं नैष्ठिक ऊर्ध्वरिता ब्रह्मचारी बनूं 20 वर्ष की अवस्था में। स्त्रियों के अधिक से अधिक सानिध्य में रहने पर भी मेरे मन में कभी कोई काम वेदना न जागृत हो, मैं ऐसा बनूं। इसके सिवाय आपकी एक इच्छा और थी कि मैं जिस लोक में जब जहां चाहूं वहां की बात जान जाऊं, अव्याहत गति हो, उसी कोट की इच्छाएं भी होती है। भगवत जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनकी इच्छा भी उसी कोटि। बाबा की दो इच्छाएं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुई, मेरी अव्याहत गति, कोई मुझे बाधा न पहुंचा, जहां चाहूं वहां की बात जान जाऊं और चाहे जितनी सुंदरियां स्त्रियां हो उनके बीच में रहने पर भी हमें कभी काम न सताए, कभी हमारे हृदय में कोई वेदना जागृत ना हो, कितनी महामहिमामयी बात है। लोक लोकांतर में जहां भी जाना चाहूं बिना रोक टोक के मैं वहां पहुंच जाऊं, ऐसी मेरी स्थिति हो,
किसी भी प्रकार के विकार का अवसर होने पर भी मेरे हृदय में कभी कोई विकार ना हो, ऐसी मैं स्थिति प्राप्त करूं। मैं बालक की तरह रहूं, जैसे छोटा बालक होता है, वो कहीं भी घूमे फिरे उसको कोई, ऐसे ही मैं इच्छाए जा रहा हूं, मुझे कोई विकार न सताए। यदि मेरा चित्त निर्विकार होगा तो ही मुझे संतोष होगा, अगर कभी विकार जागृत हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जागृत हो गया विकार, क्रिया की बात है तो विकार जागृत 20 वर्ष की अवस्था में, इस आकांक्षा से पीड़ित होकर आप वीर विजयी बनने के निश्चय में दृढ़ हुए और बड़े बड़े संतों के समीप जाते और उनसे सलाह लेते कि कभी भी हमारा वीर अधोगामी ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन्हीं दिनों हृदय में खोज हुई, कोई सिद्ध महापुरुष मुझे मिले जो मेरे मन के प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए आप मठ छोड़कर बंगाल के मेमन सिंह, ढाका, वारिशाल, ग्वालपाड़ा आदि कई जिलों में घूमते रहे, परंतु कहीं कोई ऐसा महात्मा नजर नहीं आया जिसके प्रति आपका आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाए। अंत में बड़ पेटा पहुंचे, यहां भगवान कालीकांत श्री कृष्ण का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। शहर के पास एक शिवालय था, उसके महंत एक ब्रह्मचारी थे जो बहुत समय से बीमार थे। बाबा ने विचार किया बहुत बढ़िया अवसर है सेवा का, इसलिए बाबा वहां रहकर खूब सेवा उनकी की। कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया, बाबा को बहुत आनंद मिला जब उनकी सेवा करते हुए उनका शरीर पूरा हो गया, बाबा को बहुत सुख मिला। ऐसा कभी अवसर आवे तो प्राणपन से सेवा करनी चाहिए। कोई वृद्ध है, कोई संत है, कोई उसकी सेवा में नहीं है, तो सब साधना एक तरफ रखकर उसकी सेवा करें, उसका आशीर्वाद कई साधनाओं को मिला करके भी जो शीतलता नहीं होगी वो उससे होगी। कभी सेवा का अवसर आवे तो चूकना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कि वो विरक्त हो। मानो आप धामवासी हो, कोई धाम में ऐसा रह रहा जो जीवन भर धामवास किए और उसकी सेवा कोई करने वाला नहीं, तो ऐसा चाहिए साधकों को कि ऐसा क्रम बना लेना चाहिए कि उसकी सेवा में अपना समय देना चाहिए। हाथ पैर दाबना है, कपड़ा धोना है, मल धोना है, दवा है, भोजन है, इससे बहुत कृपा प्राप्त होती। इसमें ना संप्रदायवाद देखे, ना गृहस्थ विरक्त देखे, ना परिचय देखे, कहीं भी ऐसा अगर अवसर मिले तो घंटा दो घंटा या जो भी समय दे पाए जरूर देना चाहिए सेवा का। वो जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने इनकी सेवा देख करके अपना उत्तराधिकारी इनको नियुक्त किया, मतलब महंत पूरा अधिकार। आपने वहां सतचंडी का अनुष्ठान किया, नवरात्रि में हवन और ब्रह्मोज हुआ। इस उत्सव की समाप्ति पर आपको ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो साक्षात दुर्गा देवी सामने खड़ी। आपकी वाक सिद्धि सिद्ध हो गई, इतनी ही अवस्था में वाक सिद्धि, जो बोले वही हो जाएगा, जो बात बोलते वही सत्य हो जाती। आपकी फिर दृष्टि सिद्ध हुई, जिसको देखो कौन क्या पाप कर रहा है, कैसे आचरण कर रहा है, सब दिखाई देने लगेगा। जैसे टीवी में नहीं दिखाई देता, ऐसे दृष्टि पड़ते ही दिखाई देता है, ऐसा आचरण करता है, ऐसा ऐसा छुपे हुए पाप करने वाले लोग जैसे सामने आए तो पता चल जाता है, ऐसा ऐसा है, बहुत खतरनाक। ये सब बातें बहुत बाधक हैं, मतलब ये आकांक्षा ना करें। अरे अपने ही पाप देख के तो चैन नहीं पड़ता, दूसरे के देख के और क्या होगा। चमत्कार प्रकट होने लगे, बहुत भेंट सामग्री, रुपया पैसा, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगे। एक एक दिन में उस समय 500-500 सिक्के आने लगे, चांदी के सिक्के चढ़ते। अब तो आप क्या करें उस पैसा खर्चा करने के लिए, कढ़ाई चढ़ी रहती, भंडारा, लोगों को खवाना पिलाना। इससे शास्त्रों पुरुषों का रोज भोजन होने लगा। आप ऐसे उत्तर देने वाले कि प्रश्नकर्ता की सूरत देख करके ही बिना उसके ज्यादा प्रश्न के सब बताने लगे। अब तो भीड़ लगने लगी। बाबा ने तत्काल विचार किया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहां फंस गया। बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये सिद्धि ठीक नहीं है, ये प्रसिद्धि भी ठीक नहीं है। ऐसा पश्चाताप हुआ कि उन महंत जी का, जो ब्रह्मचारी जी का एक शिष्य था जो यात्रा में गया हुआ, जब आया तो उससे हाथ जोड़ के कहा, भैया तू महंत बन जा। जबरदस्ती बाबा ने उसे महंत बनाया, सबको छोड़ छाड़ करके वहां से भागने को सोचा।
कि अच्छा बुरा प्रपंच में फंस गया, महंतगिरी में और सब ये सब बताने में, सिद्धियों में, वो